क्योंकि मैंने भी ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है, ये जो बुकलेट्स वगैरह और यहाँ जो सोशल मीडिया में और जो इनकी गवर्नमेंट की जो पोर्टल है, उन सब से मैंने गैदर की है और तजर्बा भी है हमें। इतना मकसद है कि पूरी फैमिली जो है हमारे लोग यहाँ पे, इन्होंने पासपोर्ट भी अप्लाई किया, सिटीजनशिप भी ली है, तो वो तजर्बे को और हमारी जो इन्फॉर्मेशन हमने सब मालूम हासिल की है, गैदर की है, उस बिना पे ये मालूम आप तक फराहम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारी जितनी भी आप वीडियो देखेंगे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये सिर्फ मकसद इन्फॉर्मेशन के लिए है हम लोगों के लिए। क्योंकि मैं यहाँ भी अमेरिका में भी अखबार निकालता हूँ, ई कम्युनिटी के नाम से, कराची में निकाल रहा था 8-10 साल से जब, मगर यहाँ शिफ्ट हो गए तो उसको कंटिन्यू रखा है हमने अखबार को, यहाँ न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क और कराची से रेगुलर बाकायदा निकलता है यहाँ पे। और इसी तरह मैंने अपना अखबार के साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी एक बनाया हुआ ई कम्युनिटी के नाम से, तो वो उसमें इस किस्म की जो मालूमाती जो वीडियोज़ वगैरह मैं डालते रहता हूँ, ताकि यहाँ जो हमारे लोग जितने भी हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, बांग्लादेश के, वो लोग जो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है उनको इंग्लिश समझने वगैरह में, तो वो हमारी ये जो वीडियो देख के थोड़ी सी उनको हेल्प मिल सके, एक तरह से सपोर्ट मिल सके एक तरह से, क्योंकि ये क्या क्या तरीकेकार है। कोई चीज़ यह मुश्किल नहीं है, हर चीज़ आसान है। वैसे भी सोशल मीडिया के आने के बाद तो आप जानते हैं कि हर चीज़ अवेलेबल है, हर चीज़ यहाँ मीडिया में मौजूद है, तो आप लोगों को अगर दिगर भी जो हमारी मेरा देखेंगे जाके ये ई कम्युनिटी टीवी जो जो हमारा यूट्यूब चैनल है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस ये आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इसको दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक करें और कमेंट्स करें, तो थोड़ी सी खुशी होगी। बाकी अल्लाह ताला आपको सबको खुश रखे। और जो जो लोग यहाँ पे अभी एक जो हमारी वो भी तैयार हो रही है कि नेचुरलाइजेशन टेस्ट किस तरह पास करना है, वो यहाँ पे आप जानते हैं कि जो इंग्लिश वगैरह में है तो लोग हमारे जो दूसरे दोस्त अहबाब हैं या सीनियर लोग हैं वो नहीं समझ पाते, तो ये उर्दू और हिंदी में हम इसीलिए बनाते हैं कि जो उर्दू हिंदी जानने वाले आसानी से वो समझ सके। बाकी जो यहाँ का अपना तरीक़ेकार से जो है, जो आप जिस तरह याद करते हैं, पढ़ते हैं, वो करते रहें, मगर ये जस्ट फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए ये चीज़ें आप भी देख लिया करें ताकि आपको फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज व अमान में रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए फॉर्म भरने का, ये पहले फर्स्ट नेम आपको देना होगा, फिर मिडिल नेम जो आपका है, लास्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है आपको, आपने कंट्री और बर्थ कोड किस मुल्क में आपकी बर्थ हुई है वो देनी है आपको। सोशल सिक्योरिटी नंबर ये बहुत कंपलसरी है यहाँ के लिए आपके लिए, ये सब देने हैं आप। अच्छा, मेल फीमेल ये जो भी, अच्छा बहुत बहुत सिंपल, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपको जो है ना सिर्फ वही पोर्शन भरने हैं जो वाइट है। ये फॉर्म में देखिए मैं आपको बता दूं, ये फॉर्म है, ये ब्राउन वाला पोर्शन आपने भरना है, ये वाइट आपने नहीं भरना। ये वाइट वाला जो पोर्शन जो है ये पूरा, ये वहां वाला जो एजेंट होगा या जो भी ऑफिसर होगा या होगी जो भी, वो भरेंगे आपके को, सिर्फ ये ब्राउन वाले भरने, 1 और 2। बहुत सिंपल सा, छोटा सा, बाकी तो इंस्ट्रक्शन है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सही है ना। ये भी आपको इतना सा भरना है और ये आपको नहीं, अगर देखा जाए तो एक ही सफा है ये पासपोर्ट भरने का। ये बहुत इजी है और बहुत आसानी से ये मिल जाएगा आपको। ये जो फॉर्म जो है ना वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, जैसे ये मैंने वेबसाइट खोली हुई है अभी, तो इसमें वैसे मेरे पास ये हार्ड कॉपी भी मौजूद है ये फॉर्म की, देखिए ये वाली, तो इतना मुश्किल नहीं है, इंस्ट्रक्शन सारी दी हुई है। इसके अलावा मेरे पास एक और भी, मैंने काउंटी से ब्रोशर लिया था, वो भी मेरे पास मौजूद है, यानी काफ़ी अच्छा ये फॉर्म है। ये फॉर्म DS-11 कहलाता है जो अप्लाई करते हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ज़्यादा कुछ नहीं है, नेम देना होता है, डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है। अच्छा, सोशल सिक्योरिटी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि ये तो आप जानते हैं सिटीजन लोगों के लिए पासपोर्ट बन रहा है, तो उनके लिए ये सोशल सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। ईमेल एड्रेस, मेलिंग एड्रेस और ये लास्ट ऑल अदर नेम वगैरह जो अपनी फैमिली के, और इसके अलावा यहाँ पे प्रूफ ऑफ US सिटीजनशिप में मैंने बता दिया कि बर्थ सर्टिफिकेट हो या वो अपने नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट हो,
इसके अलावा प्रूफ आइडेंटिटी में ये सब चीजें जो मैं अभी बता चुका हूँ, ये सब चीज होनी चाहिए। तो ये बहुत ही कोई सिंपल सा फॉर्म है, ज्यादा मुश्किल नहीं है ये फॉर्म। और ये जैसे ये है, इसमें तो बाकायदा फी स्ट्रक्चर भी मौजूद है, सब लिखा हुआ है, सब बेहतर तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी बात है कि ये जो आप अगर जैसे ऑन करेंगे इसको, तो ये आपको खुद बहुत सी गाइडेंस देता रहेगा, ये है ना। ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई करें, देखें ये जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, अब जब इसको नीचे ले जाएंगे तो आप यहाँ अप्लाई, ये यूएस पासपोर्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो अच्छा। इसमें एक बात ये है कि आपको पर्सनली जाना पड़ेगा वहाँ पे, इसलिए कि वहाँ दस्तखत भी करने पड़ते हैं आपको, और हेल्प भी लेना पड़ता है, ऐद करना पड़ता है कि भाई मैंने जो फॉर्म भरा है वो सही भरा है। और इस फॉर्म में एक तो मकसद है कि जो फिल करता है वो फॉर्म है, और एक पीडीएफ का है। आप चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल लें, तो आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ये इसको आप मकसद है कि वैसे मैं तो कह रहा हूँ कि आप इससे फिल कर लें तो बड़ा अच्छा, या क्लिक कर लें, तो आप जब क्लिक करेंगे तो ये पासपोर्ट का जो है ना ओपन हो जाएगा। और बाकी चीजें इस फॉर्म में खुद ब खुद सारी चीजें आपको आती रहेगी बिल्कुल ही। और ये देखिए, ये जैसे मैं वहां से लाया था, इनका जो है बहुत सारी चीजें यहाँ पे के रूटीन के क्या पैसे हैं, क्या चीजें हैं, हर चीजें लिखी हुई यहाँ पे। चार तरीके से पासपोर्ट मिलता है, तो रूटीन के अंदर होता है तकरीबन 6 से 8 वीक में मिल जाता है, और एक एक्सपेडाइट कहलाता है, उसमें आपको और कम वीक में मिल जाएगा। एक अर्जेंट भी चाहे तो आपको मकसद है कि 4 से 6 हफ्ते में या मिल जाएगा, और अर्जेंट जो है वो आपको जो है 2 से 3 इसमें अर्जेंट का देखिए मैं बता दूं क्या लिखा है, वो आपको जो है ना तकरीबन एक इमरजेंसी अगर आपको चाहिए तो 72 घंटे में मिलेगा, इमरजेंसी के लिए 72 घंटे। मगर उन सबकी जो है ना फीस पेमेंट ये लोग चार्ज करेंगे आपसे ज्यादा। तो हम तो हमने तो रूटीन का बनाया था कि 6 से 8 हफ्ते में आ जाए हमें, तो वो इजी है एक तरह से। बाकी यहाँ पर देखें एक्सपेडाइट में यह पासपोर्ट एडल्ट के लिए 209 लिखा हुआ है, चाइल्ड के लिए 179 लिखा हुआ है, और ये एक्सपेडाइट का है, ये रूटीन के हैं ये, और ये पासपोर्ट भी ऊपर लिखी हुई है। तो सिग्नेचर वहां पे आपको फॉर्म पे नहीं करने बिल्कुल ही। थोड़ी सर्दी भी है और धूप जैसा भी है, और अभी 5 मिनट पहले थोड़ा स्नोफॉल भी हो रहा था, क्योंकि थोड़ी सी 2-3 बातें और रह गई हैं, तो मैंने कहा कि चलो ये अभी मस्जिद करीब है, मगरिब का वक्त हो रहा है, 4:35 पे मगरिब है यहाँ बॉनटाउन न्यू जर्सी में, तो मैंने कहा कि चलो कुछ टाइम है अभी तो वहाँ मस्जिद तक पहुँचने में। मेरे घर से मस्जिद जो है 1200 फीट की फासले पर ही है। तो 2-3 बातें ये हैं कि जब ये पासपोर्ट बनाने जाते हैं तो ये नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट और ये बर्थ सर्टिफिकेट ओरिजिनल रख लेते हैं लोग, जो कि बाद में आपको आपके घर पे पोस्ट कर देते हैं, आपको मिल जाता है ये वापस, वो सेपरेट भेजते हैं आपका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल है और पासपोर्ट सेपरेट भेजते हैं, और अपने पासपोर्ट के साथ साथ अगर कार्ड बनाया है तो वो भी सेपरेट आता है, यानी 3 बार आपको मिलेगा ये, वो आपके घर पे पोस्ट होके आपको आ जाएगा। मैं पासपोर्ट कार्ड के बारे में भी एक तफसील से एक वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि क्या चीज है, उसकी क्या बेनिफिट है। इसी तरह बच्चे जो हैं जो पेरेंट के साथ होते हैं उनका तरीकेकार भी बताऊंगा आपको कि वो किस तरह बनती है। कोई आपको दोबारा आपको जो है एक्सपायर हो गया है या खो गया है आपका पासपोर्ट, दोबारा बनाना है, तो उसके सिलसिले में भी एक दूसरी वीडियो में यह सब चीजें बताऊंगा। अभी चूंकि 5-7 मिनट रह गई है तो मैं बस, मस्जिद भी सामने ही है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात करेंगे।
तो सिर्फ बताना यही था कि जो चीज आपको रख लेते हैं ओरिजिनल, और जो चीज ओरिजिनल इन्होंने रखी है उसकी आपको प्रिंट देंगे दूसरी। जैसे नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है, नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है वो कलर है, तो आपको प्रिंट भी कलर ही देंगे दूसरा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं दोबारा आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, सलाम अलैकुम।